कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन। डॉन 3 को लेकर जल्द ही शाहरुख खान अपने फैंस को देने वाले हैं बड़ा सरप्राइज। इस खास मौके पर होने वाला है फिल्म का धमाकेदार अनाउंसमेंट। बॉलीवुड के किंग खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जवान और डंकी फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी चल रहे हैं। कभी डंकी की शूटिंग तो कभी जवान की शूटिंग। शाहरुख खान जब से पठान फिल्म रिलीज हुई है तब से ये दोनों फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। शाहरुख ने पठान की जबरदस्त सफलता के बाद भी न तो एक दिन की छुट्टी ली है और न ही पठान के सेलिब्रेशन पर इतना ध्यान दिया है। किंग खान इन दिनों अपना पूरा फोकस उनके आने वाली फिल्मों पर दे रहे हैं, ताकि किंग खान अपने फैंस को और ज्यादा एंटरटेनमेंट कर सके। और यही वजह है कि शाहरुख खान पठान को इतनी बड़ी हिट होने के बाद भी जवान फिल्मों को उसी डेट पर रिलीज कर रहे हैं जो पहले अनाउंसमेंट की गई थी। यहाँ तक कि डंकी का भी पोस्टपोन होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये साल शाहरुख की एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी 3 फिल्में रिलीज होगी। और इसी के साथ लगता है कि शाहरुख खान बॉलीवुड में एक नया इतिहास लिखेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पठान तो रिलीज हो गई, जवान भी जून में रिलीज हो जाएंगी और डंकी भी इस साल के अंत में रिलीज हो जाएगी, फिर क्या? इसके बाद तो न शाहरुख ने कोई फिल्म की हिंट दी है और न ही कोई फिल्म का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके बाद शाहरुख खान की कई सारी फिल्में आने वाली हैं, जिनमें एक फिल्म है डॉन 3। और डॉन 3 फिल्म के चर्चे आजकल के नहीं हो रहे, ये फिल्म सालों से चर्चे में रही है। जब से डॉन 2 फिल्म रिलीज हुई थी उसके क्लाइमेक्स में शाहरुख खान जब बाइक लेकर जा रहे होते हैं और पीछे डॉन 3 लिखा रहता है, तब से ये फिल्म की चर्चे शुरू हुए थे और अभी तक ये फिल्म सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन सबको इंतजार है ये फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। आखिर किंग खान ये फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करेंगे और कब हमें ये फिल्म बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी? बता दें कि डॉन फिल्म के मेकर्स ने फाइनली मन बना दिया है कि वो डॉन 3 बनाएंगे। उन्होंने पठान में शाहरुख खान का एक्शन देखा और एक्शन में मिल रहे लोगों के रिएक्शन देखे, तो उन्होंने भी मन बना लिया है कि डॉन का तीसरा पार्ट लाया जाए। और फैंस भी शाहरुख को एक्शन अवतार में देखना पसंद करते हैं, इसलिए डॉन 3 फिल्म बनने के काफी चांसेस है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि डॉन 3 फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा? तो अर्ली रिपोर्ट्स की माने तो जवान फिल्म रिलीज होते ही शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्मों का अनाउंसमेंट करेंगे, और ये कोई एक या दो नहीं बल्कि उनके आने वाली कई सारी फिल्मों का अनाउंसमेंट होगा, जिनमें डॉन 3 फिल्म भी शामिल हो सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म 2024 के अंत में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में रिलीज हो सकती है। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं डॉन 3 को लेकर।